अस्सलाम वालेकुम मौजूद दोस्तों, आज हम आए हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी और आज मैं आपको ओवरसीज़ ईस्ट की डेवलपमेंट दिखा रहा हूँ कि आप देखेंगे कि यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हुई है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपसे शेयर करनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने 2017, 18 और 19 की सारी फाइल्स कैंसिल कर दी थी। वो वाली फाइल्स जो 10% या 20% पे थी, इसमें प्लाट्स की फ़ाइल भी थी और विलास की फ़ाइल भी थी, यानी जिन्होंने 10% या 20% पेमेंट करके फाइल्स होल्ड कर दी थी, उन फाइल्स को कैंसिल कर दिया गया था। और अभी रिसेंटली आज कल में कैपिटल स्मार्ट सिटी ने 2020 में जो विला और विला अपार्टमेंट्स की बुकिंग करवाई गई थी और उन लोगों ने 10% या 20% पेमेंट करके फाइल्स को होल्ड कर लिया था, उन फाइल्स को भी कैंसिल कर दिया गया। ये न्यूज़ जो है वो इन्वेस्टर्स पे बिजली बन के गिरा है और लोगों का अच्छा खासा इस हवाले से नुकसान हो गया, क्योंकि जो विलाज़ या विला अपार्टमेंट्स की प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसकी 10% या 20% पेमेंट भी अच्छी खासी बनती है और जिन्होंने उसके बाद फर्दर इंस्टॉलमेंट नहीं पे की, उन तमाम लोगों की फाइल्स को कैंसिल कर दिया गया है। जैसे जैसे जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है, इसके इंटरचेंज के जो मराहिल हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले इस पर प्रोग्रेस हुई और फिर फर्दर अप्रूवल्स हुई, फिर लेटर मिले कैपिटल स्मार्ट सिटी को, तो उसके साथ साथ कैपिटल स्मार्ट सिटी ने इन्वेस्टर्स और जो वो लोग जो पेमेंट्स नहीं कर रहे उन पर शिकंजा टाइट करना स्टार्ट कर दिया। और अभी जैसे ही इंटरचेंज पे जो काम है वो स्टार्ट हुआ है, तो उसके साथ ही या उससे पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी ने मज़ीद फाइल्स कैंसिल कर दिए। जिस तरह के हालात जा रहे हैं उससे लगता यही है कि अब जल्द ही 2020 की जो प्लाट्स की फाइल्स हैं, जिन लोगों ने 10% या 20% पेमेंट करके होल्ड कर ली थी फाइल्स, उनको भी कैंसिल किया जाएगा। दूसरे मरहले में फिर 2021 वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों की बारी आएगी। 2021 में जिन लोगों ने विलाज़ या विला अपार्टमेंट्स बुक किए और 10% या 20% पेमेंट करके फाइल्स को होल्ड कर लिया, इसी तरह जिन्होंने 2021 में प्लाट्स की बुकिंग करवाई और 10% या 20% पेमेंट करके फाइल्स को होल्ड कर लिया, दूसरे मरहले में उनकी फाइल्स भी अब कैंसिल होंगी। तो मेरी आप तमाम अहबाब से गुजारिश है और सिंसियर सजेशन है कि अगर आपने भी कैपिटल स्मार्ट सिटी में कोई भी प्रोडक्ट बुक करवाई है, तो आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स लाजमी पे करें और टाइम पे करें, और अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स को टाइम पे नहीं करेंगे तो नुकसान का अंदेशा जो है वो मौजूद रहेगा। और अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उनके शेड्यूल को आप कैपिटल स्मार्ट सिटी से हासिल कर लें और उसको साथ साथ टैली करते रहा करें, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जिन भी लोगों की फाइल्स कैंसिल हुई हैं, अब कंपनी क्या करेगी कि 25% उसमें से पेमेंट डिडक्ट करके बाकी 75% पेमेंट का चेक दे देगी, और वो भी 6 महीनों में आपको चेक मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन ये भी दिया जा रहा है कि जो कैंसिल फाइल्स हैं उनकी पेमेंट को आप दूसरी फाइल्स में मर्ज करवा लें। तो अगर तो आपके कुछ और फाइल्स भी हैं आपके पास कैपिटल स्मार्ट सिटी में, तो आप जो कैंसिल फाइल हैं उनकी अमाउंट को दूसरी जो एक्टिव फाइल्स हैं उनमें एडजस्ट करवा लें।